download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio. कैसे संयम रख सकता है और कैसे समाज में, समाज का एक हर एक इंसान समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। काल का अपना प्रभाव है और वो रहेगा। सतयुग में सतयुग का प्रभाव रहता है, त्रेता युग में त्रेता का रहता है। जैसे गर्मियों में गर्मी का प्रभाव रहता ही है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। सर्दियों में सर्दी का प्रभाव रहता है, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। जिस प्रकार सर्दियों में भी आप अपना बचाव करते हो गर्म कपड़े पहन करके या हीटिंग सिस्टम लगा करके, जिस प्रकार आप गर्मियों में अपना बचाव करते हो एयर कंडीशनिंग लगा के या पानी में, स्विमिंग पूल में अपने को डाल करके, बस उसी प्रकार आपने कली के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त रखना है। तो भगवान का आश्रय लो, आप अध्यात्म के पथ की ओर चलो और आध्यात्मिक विकास की ओर चलो, क्योंकि बिना आध्यात्मिक विकास के जो भी भौतिक विकास होगा वो विनाश में बदल जाएगा। भौतिक विकास का अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब आप भौतिक विकास करते हो और बने रहना है, वास्तव में उसको भोगने की क्षमता आप चाहते हैं अपने में, तो अध्यात्म के पथ पर चलो। नहीं तो भोग नहीं भोगे जाएंगे, तुम भोगे जाओगे। इसलिए अपना बचाव करते हुए चलो। भौतिकीवाद, जिस पर आपने बहुत अच्छा कहा, विदेश में भौतिकीवाद और साइंस का हमेशा एक संघर्ष है, और हिंदुस्तान में भी वो हम देखते जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वही हमारे ज़िंदगी का मूल मंत्र है। शायद हम उस अपने विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इससे हम कैसे बचें या इससे हम कैसे उबर पाएं, या हम उसको देखते हुए अपने आप को कैसे संयमित रख पाएं? यहाँ खतरा है, ये जब समझ लिया तो आप अपना बचाव करते हो। केवल भौतिकवाद की अधिकता से होने वाले खतरे से जब अवगत हो जाओगे तो अपने आप अपना बचाव करने में लग ही जाओगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा यहाँ आग है भाई भागो, हाथ जोड़ करके भागने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, आप भागोगे ही। तो केवल भौतिकवाद से जो तनाव है, जो आपसी संघर्ष है, उसके चलते जो अशांति है और आदमी जो विक्षिप्त हो रहा है, इस नुकसान को जब इंसान देखेगा अपने सामने, आंखों के सामने, और सीखेगा, सोचेगा, तो अपने आप अपना बचाव करेगा। वो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस सत्य को समझेगी और अपना बचाव करेगी, और ये बचाव केवल आध्यात्मिक विकास से हो सकता है।
फिर से मैं कहता हूँ, आध्यात्मिक विकास का तात्पर्य ये नहीं कि आप भौतिकता के विरोधी हो जाएं, क्योंकि भौतिकता, आपका शरीर भौतिक ही है, भौतिक पिंड है, तो आप अपने शरीर का तो विरोध नहीं करते, लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर तो उठना है, ये आध्यात्मिकता है। तो शरीर का स्वीकार करके शरीर से जो काम करना है, शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इससे जो काम करना है साधन के रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन शरीर में आप आसक्त नहीं रहते। आध्यात्मिकता का अर्थ है शरीर में रह करके शरीर से अनासक्त हो करके ऊपर उठो, और शरीर जिस कार्य के लिए मिला है उसका लगातार स्मरण करते हुए उस कार्य में शरीर को लगाओ। बस उसी तरह भौतिकता का एक साधन के रूप में उपयोग करना है, और आप उसमें आसक्त न होए, नहीं तो गुलाम हो जाओगे। और सुख के लिए ये सारी भौतिक चीज़ें जुटा रहे हो, लेकिन वही चीज़ें तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। आज ये हो रहा है लेकिन आदमी को तुरंत अकल नहीं आ रही है, मार तो खा रहा है लेकिन किसके लिए ये दुखी हो रहा हूँ ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं, हमारे साधु संत और महापुरुष जो कहते हैं, उस और ध्यान देना चाहिए। और भौतिकता का कोई विरोध नहीं है। वो रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि कटहल को काटना है तो पहले अपने हाथों पर तेल लगा लो, नहीं तो वो चिपकेगा। बस उसी तरह आध्यात्मिकता का तेल लगा करके और फिर भौतिक दुनिया में जाओगे तो भौतिक दुनिया तो चिपकेगी नहीं, तुम उससे चिपकोगे नहीं तो नुकसान ही होने वाला है। हरिद्वार में स्वामी पथिक जी महाराज के, ब्रह्मलीन स्वामी पथिक जी महाराज के समाधि भी है, आप वहाँ गए भी हैं। और स्वामी पथिक जी महाराज कहते थे सत चित आनंद, उसके बारे में आपका यदि कोई दर्शन आप हमारे श्रोताओं को बता पाए। श्रीमद् भागवत का आरंभ ही सच्चिदानंद रूपाय से होता है, महात्म्य के आरंभ में ही यह श्लोक लिखा गया है। तो भगवान सच्चिदानंद घन है, सत से होना, चित से जीना और आनंद से आनंदपूर्ण भावपूर्ण होना, ये तीनों बातें ज़रूरी है। तुम हो, तुम जिंदा हो, लेकिन बात यह है कि तुम सुखी भी हो और दुखी भी हो। वास्तव में आनंद किसको कहते हैं? जिसमें सुख और दुख दोनों का अत्यंतिक अभाव हो उसका नाम आनंद है। अत्यंतोपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, ये भागवत में कपिल गीता में भगवान कपिल ने कहा। तो जब तक सुख दुख में रमते रहेंगे हम संसार में हैं, क्योंकि संसार द्वंद्वात्मक है। यहाँ सुख है, दुख है, राग है, विराग है, हर्ष है, शोक है, सफलता है, विफलता है, सम्मान है, अपमान है, सारे द्वंद्व का नाम है दुनिया। तो इस द्वंद्व से जब ऊपर उठ जाते हैं तो अपने आनंद स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए सच्चिदानंद घन भगवान का भजन करते रहो, उसके साथ जुड़े रहो, और फिर जो करना है सो करो। स्वामी जी, गृहस्थ जो होता है वो सोचता है कि पूजा पाठ की पद्धति को हम अपनाएं तो हम शांति मिलेगी या हमें हमें मोक्ष मिलेगा, ये भ्रम है या ये सत्य है? मैं पानी में जाऊं तो भीगूंगा, ये भ्रम नहीं है, ये तो सत्य ही है। लेकिन केवल पूजा पाठ करूं और जिन बुराइयों से मुझे बचना चाहिए वो ना बचूं, तो फिर पूजा पाठ उतनी ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पाप से बचो और प्रभु को बचो, दोनों बातें। मैं ऊपर से एक नल खोलता हूँ कि मेरी टंकी भर जाए, लेकिन मेरी टंकी में छेद है, उससे पानी बह रहा है, कभी भरने वाली नहीं है टंकी, उस छेद को मैं पहले बंद करूँ। तो ये छेद को बंद करने का तात्पर्य है संयम हो अपने जीवन में, हम गलत काम करने से अपने आप को रोकें और फिर पूजा पाठ करें, भजन करें, तब उसका फल मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि के बारे में ऑलमोस्ट वी आर देयर क्लोज टू गेटिंग दैट राम गेटिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ राम जन्मभूमि, आपका उसके लिए क्या संदेश होगा कि कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें, या जो हिंदू धर्म के लिए एक ये बहुत बड़ी आस्था की प्रतीक भी है, उसके बारे में आपका विचार? माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस वक्त सुनवाई कर रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्देश दिया है कि अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से सारे तथ्यों को देखने के बाद,
सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा वही सर्वमान्य होगा, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। लेकिन भावनात्मक दृष्टि से देखें तो राम जन्मभूमि क्या भारत में नहीं बनेगी, अयोध्या में नहीं बनेगी तो विदेश में बनेगी? करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जिस जन्मभूमि के साथ जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ये आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला उसी दृष्टि से आएगा जिसमें जन भावनाओं का भी सम्मान हो। ये जो आज ये प्रकल्प है एकलव्य विद्यालय, जो कि भारत सरकार ने भी उसको बहुत प्रोत्साहन दिया है, और इससे जो हमारे दूर दराज के जो शहर थे, गांव थे, जो नक्सलाइट प्रभावित इलाका था, वहां भी अब बच्चों को स्कूल एक एटलीस्ट एक माध्यम मिल रहा है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आप उससे कितना प्रभावित हैं या आपका उनके लिए क्या आशीर्वाद होगा? मैं शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं कथा को भी शिक्षा का ही एक माध्यम मानता हूँ और मैं अपने आप को लोक शिक्षक ही मानता हूँ। और कथा के माध्यम से जो कुछ भी लोग दे रहे हैं या तो सहयोग कर रहे हैं, उन एक एक पैसे को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में लगाता हूँ और हमारे भी बहुत से शिक्षा प्रकल्प चल रहे हैं। एकल के माध्यम से जो शिक्षा का कार्य हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न करने वाला है, और कई वर्षों से मैं इन लोगों का समर्थन करता चला आया हूँ। बहुत वर्ष पूर्व अमेरिका में भी एकल विद्यालय को लेकर जो जागृति के लिए 10 दिन की धर्म यात्रा हुई थी उसमें मैंने 10 दिन दिए थे। यहाँ पर भी समय समय पर एकल विद्यालय की प्रवृत्ति को समर्थन देने के लिए जो फंक्शन आयोजित होते हैं उसमें जहाँ भी मेरी अनुकूलता बनती है मैं हाजिरी लगाता हूँ। आज दिल्ली में भी एकल विद्यालय के समर्थन के लिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ कथा का आयोजन हुआ है। कथा सत्संग के साथ साथ एकल की प्रवृत्ति जन जन तक पहुँचे और ये शिक्षा का दीपक दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे वनांचलों में भी जलें और वहाँ के जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो न केवल शिक्षा प्राप्त करें लेकिन उसमें राष्ट्रभक्ति हो और उनमें संस्कार हो ताकि वो इंसान है उसको वो इंसान बनाएं। इस प्रकार की ये जो प्रवृत्ति है स्वाभाविक रूप से मन को प्रसन्न करने वाली है और इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। महाराज जी, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उनके बारे में थोड़ा आपके उद्गार, और आपका तो प्रधानमंत्री जी से बहुत करीब का नाता है, आप कई बार मिल चुके हैं, मीडिया में भी वो बहुत प्रखर रूप से वो छपी और लोगों ने उसको सराहा। प्रधानमंत्री के साथ केवल मेरा ही करीबी नाता है ऐसी बात नहीं, एक एक भारतीय का करीबी नाता है, हर एक भारतीय के वो प्रधानमंत्री हैं और सबको ये लगना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता है। 17वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वे स्वस्थ रहें, निरामय रहें, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है वे निरंतर राष्ट्र की सेवा में कार्य करते रहें। और हम चाहते हैं यदि कि भारत और मजबूत हो और ऊपर उठे तो एक नागरिक के रूप में हमें प्रधानमंत्री के ऐसे कार्यों का समर्थन करते रहना चाहिए।
डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.